नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय किचन। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही क्विक और मजेदार रेसिपी लेकर आया हूं, जो है गोभी मंचूरियन। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। तो दोस्तों, गोभी मंचूरियन बनाने के लिए ये मैंने पूरा एक गोभी का फूल लिया है और इसको मैंने ऐसे छोटा छोटा काट लिया है। तो इसको आपने ऐसे ही छोटा छोटा काटना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी रहे। ज़्यादा बड़ा आप काटोगे तो पानी छोड़ देता है और क्रिस्पी नहीं रहता है। तो सबसे पहले हमने इनको बॉईल कर लेना है। और गोभी बॉईल करने के लिए मैंने ये पानी लिया है, इसमें मैं अच्छे से नमक डाल दूंगा। लगभग एक फुल टी स्पून मैं नमक डाल दूंगा ताकि गोभी में थोड़ा अंदर तक अच्छे से नमक चला जाए। तो दोस्तों देखिए, पानी हमारा ऑलमोस्ट बॉइलिंग पे आ गया है और अब मैं गोभी इसमें डाल देता हूँ। तो दोस्तों, गोभी को आपने 4 से 5 मिनट तक ढक के अच्छे से पका लेना है और 4 से 5 मिनट के बाद आपने चेक करना है गोभी सॉफ्ट हो गई हो। अगर गोभी आपकी सॉफ्ट हो गई तो आपने निकाल लेनी है। तो दोस्तों, लगभग 5 मिनट हो गए हैं इसको उबालते हुए और ये अच्छे से अब सॉफ्ट भी हो गई है। तो अब इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, उसको बॉइलिंग से निकालने के बाद में आपने इसको एक बार ठंडे पानी के अंदर अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि जो गोभी है वो ओवर कुक ना हो। सो गोभी हमारी रेडी हो चुकी है बॉयल होके और अब इसको हमने फ्राई करना है। और फ्राई करने के लिए हमने इसमें डालना है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर या वाइट पेपर भी डाल सकते हैं आप, और कॉर्न स्टार्च। तो कॉर्न स्टार्च आपने उतना डालना है जितने में इसकी अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। तो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इस कॉर्न स्टार्च से इसको अच्छे से कोट कर देना है। तो दोस्तों, ये देखिए, लगभग आधा केजी गोभी मैंने लिया था और इसमें 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो कॉर्न स्टार्च के लग गए और ये एक पतली सी कोटिंग कॉर्न स्टार्च की जो है वो गोभी में आ गई। तो आपको बिल्कुल ऐसी ही कोटिंग चाहिए और इसके बाद आपने इसको फ्राई कर देना है। तो दोस्तों, फ्राई करने के लिए मेरा ऑयल यहाँ पे रेडी है बिल्कुल मीडियम हीट में और इसको अब मैं फ्राई कर लेता हूँ। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जो भी चीज़ आपको क्रिस्पी चाहिए होती है उसको आप डबल फ्राई करें तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसको हमने पहली बार जो फ्राई करना है तो इसको हमने पूरा गोल्डन फ्राई नहीं करना है, इसको हमने 50% तक फ्राई करना है और उसके बाद हम इसको फाइनल बाद में फ्राई करेंगे। अगर आप इसको अभी गोल्डन फ्राई कर दोगे तो बाद में इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, जो हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसको हम अभी हाफ फ्राई करके ही निकाल देंगे। तो दोस्तों, पहला जो लॉट है वो फ्राई होके रेडी है। तो देखिए, आपने बिल्कुल इतना इसको फ्राई करना है और इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल फ्राई नहीं करना है। तो इस स्टेज पे आपने इसको निकाल लेना है। तो दोस्तों देखिए, हमारी गोभी जो है एक बार फ्राई हो चुकी है और ये अभी उतनी क्रिस्पी नहीं है जितनी हमको चाहिए। तो अभी हम इसको करेंगे सेकंड फ्राई। दूसरी बार हमको फ्राई करने के लिए क्या करना है, इसमें थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च ऊपर से ऐसे स्प्रिंकल करना है जस्ट। और अब हम इसको हाई फ्लेम में जस्ट कलर आने तक फ्राई करेंगे और फिर उसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों देखिए, ऑयल भी हमारा इसके लिए गर्म हो चुका है और ऑयल बिल्कुल स्मोकिंग हॉट होना चाहिए, यानी कि ऑयल से बिल्कुल धुआं निकलना चाहिए। तो ऐसा गर्म होना चाहिए ऑयल। और अब हम इसको एक बार फिर से फ्राई कर देंगे। दोस्तों देखिए, जैसे ही आपने डाला बिल्कुल 8-10 सेकंड के अंदर में इनमें एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और ये बिल्कुल क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो आपने इनको अभी निकाल लेना है। तो बस इतना आपने इनको फ्राई करना है और फिर आपने इनको निकाल लेना है। तो दोस्तों, गोभी फ्राई करने के बाद में हमने जो मंचूरियन का सॉस है वो बना लेना है। तो एक पैन में आप लेंगे ऑयल और ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद में हमने इसमें डालने हैं अनियंस। अगर आपको स्प्रिंग अनियंस मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप स्प्रिंग अनियंस यूज़ कीजिए। और प्याज को हल्का सा भून लेने के बाद में हमने इसमें जिंजर और गार्लिक डालना है। यहाँ पे मैंने पेस्ट लिया है लेकिन अगर आपके पास चॉप्ड है तो चॉप लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। और जैसे ही आपके जो प्याज हैं हल्के से सौते हो जाएँ उसके बाद हमने इसमें डाल देना है सोया सॉस। ये मैंने लगभग
दो टेबल स्पून के आसपास लिया है। और ये जो है ये है ग्रीन चिली का पेस्ट, आप चाहे रेड चिली का पेस्ट भी दे सकते हैं। 2 टीस्पून टमाटो केचप, विनेगर और आधी टीस्पून के आसपास आपने डालनी इसमें शुगर, आधी टीस्पून क्रश्ड पेपर पाउडर भी ले लेंगे। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद में हमने अपने सॉस को थोड़ा सा पका लेना है। और आपने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेना है, इसको थोड़ा सा पानी के साथ घोल लेना है। तो हल्का पानी के साथ घुलने के बाद में आपने कॉर्नफ्लोर भी अपने सॉस में डाल लेना है, बेसिकली थिक करने के लिए सॉस को। और इसमें आप थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिए। तो दोस्तों देखिए, मंचूरियन का जो सॉस है वो बिल्कुल रेडी है। और अब इसमें मैं गोभी डाल के इसको टॉस कर लेता हूँ। तो जैसे ही आपने गोभी अच्छे से इसमें टॉस करी तो आपके मंचूरियन जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए अब निकालते हैं इसको एक बोल में। तो दोस्तों देखिए, हमारे ये जो गोभी मंचूरियन हैं ये बिल्कुल रेडी हैं। बिल्कुल इजी रेसिपी है, बिल्कुल क्विक रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ईजी और क्विक गोभी मंचूरियन की रेसिपी। और दोस्तों अब समय है आज की हमारी कुकिंग टिप का। तो दोस्तों आपने देखा होगा कई बार जब आप कोई भी हर्ब्स लेके आते हो, जैसे कि मिंट, कोरिएंडर, थाइम, बेसिल या कुछ भी आप हर्ब्स लेके आते हो घर पे, तो कभी कभार हम एक्सेस ले आते हैं और ऐसे में फिर हम उसको पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं और हमको लास्ट में वो फेंकनी पड़ जाती है क्योंकि वो कुछ दिन के बाद सड़ जाती है उसके पत्ते। तो दोस्तों इसको अवॉइड कैसे करना है, और साथ ही अगर हम किसी हर्ब्स को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं ड्राई करके, तो वो भी आप कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपने जो भी हर्ब्स है उनके स्टेम निकाल लेनी है, यानी कि लीव्स लेनी है, और उनको 10-10 करके 30 सेकंड तक आपने माइक्रोवेव में कुक करना है। तो उनकी लीव्स से पूरा मॉइस्चर निकल जाएगा और फिर लीव्स पूरी ड्राई हो जाती हैं। तो पाउडर फॉर्म में आप उनको कभी तक भी स्टोर करके रख सकते हो और कभी भी यूज कर सकते हो। तो ऐसे आप किसी भी हर्ब्स को लंबे समय के लिए प्रिजर्व करके यानी स्टोर करके ड्राई फॉर्म में रख सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्विकली बन जाने वाली गोभी मंचूरियन की रेसिपी। आपको कैसी लगी ये रेसिपी मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और अपने फीडबैक और सजेशंस भी मुझे देते रहिए। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज रेसिपी। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।